दिस इज मैं एंड वेलकम टू लेक्स लर्न सभी गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत सताल असल वट वी फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे एक नया सेशन सी टेट जुलाई दो हज़ार चौबीस इससे पहले नोटिफिकेशन के समय अनाउंसमेंट करते हुए हम लोग मिले थे यूट्यूब पर बैच में आप लोग बड़ी संख्या में इनरॉल हो चुके हैं कल से क्लासेज हैं यूट्यूब पर आज कुछ बातें करेंगे और अब से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी बाकी बैचेज में भी सी टेट में भी तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं कहानी के एग्ज़ाम पैटर्न रहता क्या है सी का या इस बार क्या है क्या कोई सिलेबस में चेंज है क्या कोई अप्रोच में चेंज होना चाहिए अगर हम रिजल्ट का परसेंटेज देखें तो बहुत ही ख़राब है इस साल स्पेशली अगर मैं देखूं तो हर साल से गिरा ही है ऊपर नहीं है परसेंटेज पासिंग परसेंटेज और आपको लोग जो फेल होते हैं यही वो नब्बे परसेंट लोग हैं जो फेल होते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई एकदम बेसिक एग्जाम है ये है वो है और इसी में अगर आप देखेंगे साढ़े सात परसेंट लोग पेपर टू में पास हुए हैं और पंद्रह परसेंट लोग पेपर वन में पास हुए यानी पिचासी परसेंट लोग फेल हो रहे हैं कहां पर पेपर वन में और अगर हम देखें पेपर टू की बात करें तो नाइनटी थ्री परसेंट लोग पेपर टू में फेल हो रहे हैं तो थोड़ा सा समझेंगे कि गलती हम कहां कर रहे हैं मेरी नजर में क्या लगता है कि कहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ओवरऑल अगर हम दोनों का ही ये सीटेट ने अनाउंस किया मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं कि अगर हम देखें यहां पर ये जुलाई दो है भाई है ना ये इसको करेक्ट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वो आप समझते ही हैं जुलाई 2024 है रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सीटेट ने नंबर शेयर किए हुए हैं कि भैया जो लगभग 22 लाख ,00 प्लस लोग थे जो अपियर हुए जिन्होंने फॉर्म भरा उसको तो साइड हटाई देते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है एबसेंट होते ही हैं 22 लाख ,00 में से हम अगर देखें दो लाख अड़तीस हजार या अट्ठाइस हजार समथिंग नंबर है यानी नब्बे परसेंट लोग फेल हुए हैं सिर्फ दस परसेंट लोग हैं जो क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं यानी जिस नंबर में जो वैधता वाला एग्जाम है जिसमें दस परसेंट रिजल्ट है उसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पैटर्न को ठीक से समझें कहां से क्या पढ़ना है सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा समय देखे मान लीजिए किसी बैटल में आप जा रहे हैं किसी लड़ाई में आप जा रहे हैं एग्जाम लड़ाई से युद्ध से कम तो आजकल रह नहीं गए तो उसका पूरा आपके पास एक माइंड मैप होना जरूरी है एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है स्ट्रैटी पे भी हम अलग से बात करेंगे लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन सब चीजों से अवगत होना चाहिए आपको कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है जिनको ये चीजें समझ में आ जाती है पढ़ते बहुत लोग हैं इस एग्जाम के लिए क्योंकि इस एग्जाम में अप्रोच का बहुत बड़ा खेल है अगर सही अप्रोच से हम नहीं पढ़ रहे गड़बड़ होगी डेली हम नौ बजे मिल रहे होंगे यूट्यूब पर बैच की क्लासेस आपको टाइमिंग मेंशन मेंशन मिल जाएगा करियर वैप पर ही लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप कर लीजिएगा क्योंकि सी तक हम लोग प्रॉपर साथ बने रहेंगे और आज से नहीं है पिछले आठ साल से मैं सी के लिए डिस्कशन कर रही हूँ है ना तो ये जो पूरा ऑनलाइन में सी की तैयारी होती है ये हमसे शुरू हुआ है एक तरह से कह सकते हैं उस बात में कोई भी आ, मतलब ऐसा दौरा नहीं है ऐसा गलत नहीं होगा अगर मैं ये बात कहूँ तो ये एक बेसिक सी बात हुई इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा कहाँ से क्या पढ़ना है उस पर भी चर्चा करेंगे ठीक है ना ये मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी लोग फेल होते हैं क्या इसका मतलब मैं आपको यहाँ डराने आई हूँ नहीं मेरी नेगेटिव अप्रोच कभी नहीं होती कि आप लोगों को परेशान करना या बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट करना वो मेरा काम नहीं है मैं बहुत होपफुल इंसान खुद भी हूँ और कोशिश करती हूँ मेरे थ्रू वो होप आप तक पहुंचे भी हर साल लोग पास भी होते हैं पास नहीं होते अच्छे नंबर भी लाते हैं शायद आपको कहीं किसी और चैनल पर दिखे भी ना एक सौ तैतालीस और ये वन थर्टीज की तो अंतहीन लाइन है एक सौ छत्तीस तैतीस चौंतीस इन सब में तो बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हर साल नंबर लेकर के आते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम वाले लोग हैं मतलब ऑफलाइन में अगर हम बात करें अनुराग की तो एक ऑफलाइन में ही अगर हम बात कर रहे हैं सचिन की तो 141 ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 140 अनुष्का लेकर के आई है ना इस बार भी कितने लर्नर्स हैं जो 133 प्लस तो कई सारे लर्नर्स हैं है ना तो ऐसा नहीं है कि लोग पास नहीं हो रहे पास तो हो ही रहे हैं साथ में बहुत अच्छे नंबर भी लेकर के आ रहे हैं ये सारे इंटरव्यूज लेट्स लर्न पे अवेलेबल हैं आप बैठ करके देख सकते हैं इन लोगों ने कैसे तैयारी की क्योंकि जो सीरियस नहीं होगा वो फिर एग्जाम कहां से निकालेगा थोड़ा सा तो सीरियसनेस चाहिए सीरियसनेस का मतलब ये नहीं मुंह लटका के बैठ जाए आप आराम से एक स्ट्रेटजी बनाए काम माइंड से आपके पास प्रॉपर तरीका हो कि आप कैसे तैयारी करेंगे ठीक है ना तो लर्नर्स पास होते हैं ऐसा नहीं है पास नहीं होते बस सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है इनमें से कई सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो 20 20 साल के उन्नीस उन्नीस साल के अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में हैं डीएलएड बी टी बी अभी कर ही रहे हैं तो वो लोग भी सी टेट निकालते हैं ऐसा थोड़ी है अगर एग्जाम पैटर्न हम ओवरऑल देखें अभी अलग अलग सब्जेक्ट के वेटेज पे तो आएंगे ही अगर हम ओवरऑल देखें तो बेसिक सी चीजें हैं जो दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है इधर उधर भटकना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना तो अगर एग्जाम पैटर्न पे हम एक बार नजर मारें तो क्या है टोटल मार्क्स डेढ़ सौ नंबर का पेपर है चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो यानी सिक्स टू एट का पेपर हो जिसको लेवल टू कह देते हैं और लेवल वन जो है वो आपका प्राइमरी लेवल का है यानी फर्स्ट टू फिफ्थ कई लोग दोनों देते हैं वो एक अलग कहानी है पेपर डेढ़ सौ नंबर का ही है डेढ़ सौ ही मिनट मिलते हैं आपको टाइम कितना मिलता है डेढ़ सौ मिनट यानी ढाई घंटा एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट पूरा मिलेगा ठीक है ना टाइम बहुत ज्यादा इससे ज्यादा टाइम किसी और पेपर में नहीं मिलता अगर आप डी टू प्लस बी की बात करें तो दो घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं और यहां आपको ढाई घंटे में डेढ़ सौ क्वेश्चन करने हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बाकी एग्जाम्स में या डी प्लस बी की बात करें तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी है तो कंपेरेटिवली टाइम इनफ है लेकिन प्रैक्टिस भी इनफ होनी चाहिए ओ पे आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए मोड क्या है पेपर का ऑफलाइन मोड है है ना पेपर का मोड है ऑफलाइन ओ पे पेपर आपका होगा ये कट लगा हुआ है उसको समझ लीजिएगा कि ये ऑफलाइन है गलती से लग गया पेपर ऑफलाइन है वो एम शीट भरनी है आपको OMR शीट मिल जाएगी अभी तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लो है ना नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती जीरो नेगेटिव मार्किंग है कोई नेगेटिव में मार्क आपका नहीं जाएगा कोई भी नंबर कटता नहीं है गलत अगर आपका हो गया तो वो जीरो हो जाएगा बस एक छोटा सा नोट है आपको डिफाइंड सिलेबस का ध्यान रखना है यानी सिलेबस से नहीं भटकना है चाहे कुछ हो जाए सिलेबस के इर्द गिर्द घूमना है दो तीन चीजें जो आपको फॉलो करनी है ठीक है ना सिलेबस को नहीं छोड़ना है सिलेबस कहां से सीटेट की वेबसाइट पे भी और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी अगर अभी तक नहीं किया है तो सीटेट ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है 2024 का हर बार देता है सीटेट और अभी तीन से चार महीने का समय यानी पूरे चार महीने तो नहीं है बट हां आपके पास तीन महीने से ज्यादा का समय है यह समय अपने आप में कम नहीं है क्योंकि कई बार से सीटेट ऐसा कर रहा है जब नोटिफिकेशन आता है ढाई महीना दो महीना डेढ़ महीना ऐसा समय मिलता है तैयारी करने को तो आपको इनफ समय मिला है अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए कि बीच में चुनाव है तो फुर्सत नहीं है या जल्दी नहीं होना था एग्जाम टाइमली या तो नोटिफिकेशन आ गया है रिजल्ट टाइम से आ गया था इस बार लेकिन आपके पास इनफ समय है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा दिया हुआ है कि सिलेबस आपका कौन से सब्जेक्ट का क्या है सिलेबस में रत्ती भर का बदलाव है नहीं जो सालों साल से चला आ रहा है दो हजार में आई थिंक थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ था नहीं तो दो से लगभग सेम ही है सिलेबस दो से सीटाइट शुरू हुआ था कोई खास अंतर आपका है नहीं तो इस पर हम चर्चा करेंगे खैर कि कौन से सब्जेक्ट में किस चीज का हमें ध्यान रखना है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप तसली एकदम रख करके पढ़िएगा आराम से इस पर चर्चा बाद में करेंगे जिस बात पे हम चल रहे थे उस पर आते हैं तो ये बेसिक सी बातें से नहीं भटकना बस सिलेबस को जो ध्यान में रख लेगा सी में फेल नहीं हो सकता अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना होता ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसा नहीं है ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो टीचिंग वाला माइंडसेट डेवलप करना है पूरे एग्जाम की तैयारी के दौरान ठीक है बात पेपर वन पेपर टू आपको पता है दोनों एग्जाम होते हैं कितने नंबर के डेढ़ सौ नंबर के पेपर वन में पांच सब्जेक्ट पेपर टू में चार सब्जेक्ट आते हैं ठीक है जिनका टोटल डेढ़ सो ही है तो अगर मैं बात करूं ये तो हमें पता है वन फिफ्टी मार्क्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो वन फिफ्टी मार्क्स टोटल है चाहे पेपर वन पेपर हो पेपर टू हो मजे की बात यह है अगर आप दोनों एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो तीन सब्जेक्ट कॉमन है यानी नब्बे नंबर तो आपके कॉमन ही है नब्बे नंबर पे क्वालिफाइड होता है व्यक्ति तो नब्बे नंबर तो कॉमन ही है कौन से सीडीपी जो मैं आपके साथ डील करती हूँ सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पूरे एग्जाम के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं सीडीपी पढ़ाती हूँ तो इसलिए कह रही हूं कि नहीं सीडीपी डी पी सबसे जरूरी है एक्चुअल में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें डेढ़ नंबर में नब्बे नंबर की पैडागोजी ही आ रही है क्योंकि ये जो ईवीएस है इसमें भी पंद्रह नंबर की पैडोगॉल है ये जो मैथ्स है इसमें भी पंद्रह नंबर की पेडोगोजी है लैंग्वेज में भी पंद्रह नंबर की पैडोगॉल है ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें पेडोगॉजी ना आती हो अगर हम एस की बात कर ले यहाँ पे स या साइंस एंड मैथ्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी 40 नंबर का कंटेंट है जो एनसीआर से आएगा और 20 नंबर की पेडोगॉलॉजी ही आएगी तो टोटल अगर हम निकालेंगे यहाँ पे कि 30 नंबर का बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 15 नंबर का ईवीएस फिर 15 का मैथ्स मतलब मैथ्स ईवीएस पेडोलॉजी कितने हो गए थर्टी फिर लैंग्वेज में पंद्रह और पंद्रह तीस तीस साठ और तीस नब्बे नब्बे नंबर की पैडोलॉजी है, तो है अलग अलग सब्जेक्ट की मिलाकर के तो पैडोगोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जाता पैडोलॉजी की समझ सबसे बेहतर तभी बनती है जब आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग हो तो ये मैं आपके साथ डील करूंगी YouTube पर भी चाहे वो क्वेश्चन में हो प्रीवियस आप तो आप मैराथन आपके साथ एक -एक उसके आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, भी वही, में मिलेंगे, है अगर हम बात करें तो थोड़ा लर्न की वेबसाइट कोई वेबसाथ अभी तक नहीं है लेट्स की सिर्फ कोर्स अगर कहीं आता है जहां मैं सच में कोर्स में पढ़ाती हूँ वो है करियर विलैब जहां बाकी टीचर्स भी हैं पूरा एक आपका बैच है हजार बारह सौ में और वहां आप आराम से तैयारी कर सकते हैं करियर विल की वेबसाइट से लेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे है ना और ये कंप्लीट फीस है ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको फीस देनी है ये अपने पूरे सिलेबस की और जितनी भी वैलिडिटी है छह महीने एक साल इसमें लिखा होगा कहीं पे वो कंप्लीट आपको एक ही बार में फी जो भी है देनी है और उसके बाद आपके सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे मैं सीडीपी डी यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगलॉजी डील करूंगी ठीक है चलिए खैर आते हैं वापस से अपने इस पॉइंट पे तो समझते हैं कि इन सबको समझें कैसे क्या कहां से पढ़ें क्या चीज थोड़ा सा ये भी देख लेंगे ठीक पैटर्न हमें समझ में आ गया पेपर का नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे डेढ़ सौ ही मिनट मिलेंगे दो पैसे जाते हैं हिंदी में और दो पैसेज आते हैं इंग्लिश में यानी जो भी दो लैंग्वेजेस आपने लिए हैं हिंदी संस्कृत लिया है उस तरह से ठीक है तो अगर हम यहां देखें सी बाल विकास अच्छा ध्यान में रखना ये छह से ग्यारह वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके यहां पे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है पेपर वन में और ग्यारह से चौदह वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखना होता है पेपर टू के लिए क्योंकि ये सिक्स तो टू एट्थ का लेवल है तो एज ग्रुप आपका ग्यारह से चौदह मिलेगा आपको है ना और राइट टू तो एजुकेशन एक्ट भी कहता ही है जो आपका कि भैया छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो ये चौदह वर्ष तक का मतलब एट्थ क्लास तक ठीक छह से ग्यारह वर्ष का बच्चा छह साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जो बच्चा है उसको आपको ध्यान में रखना है आंसर्स करते समय बट कोई खास अंतर क्या कुछ है ही नहीं सिलेबस एकदम सेम है आप सेम तरीके से सॉल्व करेंगे सेम सिलेबस पढ़ेंगे पेपर वन पेपर टू के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं अगर सीडीपी है तो सेम पढ़ना है सिलेबस एकदम सेम है मैं अभी दिखाऊंगी आपको है ना एक एक टॉपिक सेम है सीडीपी अलग से कैसे तैयार करेंगे इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से प्रीवियसली बनाए हुए हैं हर साल हम डिस्कशन करते हैं कुछ नई बात नहीं है ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस की जो एनसीआरटी है थर्ड टू फिफ्थ की या तो आप वो अलग से पढ़े या यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं या फिर अगर आप बैच में हैं तो फिर आपको कुछ और करना ही नहीं है ना अलग से किताब लेनी है ना कोई मॉक टेस्ट लेना है ना कोई अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना सब कुछ बैच में आपको नोट्स से लेकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेकर सब कुछ मिल जाएगा सारी सब्जेक्ट्स का तो ईवीएस में पंद्रह नंबर की पैडेगलॉजी और पंद्रह नंबर का कॉन्टेंट जो एनसीआर से आता है जनरली थोड़े बहुत टॉपिक इधर उधर से आ जाते हैं आजकल वो आपको बैच में टीचर्स डील कर लेंगे अगर मैथ्स की बात करूं पंद्रह नंबर की मैथ्स पेडोगलॉजी और पंद्रह नंबर का नॉर्मल मैथ्स जो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से करके हुई काम आपका चल जाएगा लैंग्वेज वन में भी पंद्रह नंबर के दो पैसे जाएंगे यानी आठ और सात नंबर का और पंद्रह नंबर की पैडोलॉजी सेम यहाँ पे भी ये मत सोचना कि पेपर टू का नहीं बता रही हूँ सेम बात है ये तीन सब्जेक्ट एकदम कॉमन है सी डी पी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू एकदम कॉमन है आपके पास साइंस एंड मैथ्स है तो आप एनसीआरटी पढ़ लीजिए सिक्स टू एट्थ की साइंस एंड मैथ्स की अगर एस लिया है आपने जिसमें से बीस नंबर की पैडोलॉजी आएगी साठ में से और चालीस नंबर का कॉन्टेंट आएगा तो आप एस की जो एनसीआरटी है हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी वो पढ़ सकते हैं खुद से नहीं पढ़ा जा रहा बैच ले लीजिए है ना या फिर किसी यूट्यूब पे किसी व्यक्ति को ढूंढ लीजिए लेकिन भटकिएगा मत क्योंकि यूट्यूब पे बस एक समस्या होती है कि हम एक जगह से शुरू करते हैं और फिर हम सारे चैनल्स की लाइव क्लासेस पे भटकते रहते हैं तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक जगह से नहीं पढ़ेंगे उसकी बजाय आप मल्टीपल जगह भटकते रहेंगे तो पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आती नहीं है क्योंकि पहले आप एक बेस बना लीजिए एक टीचर एक किताब और दस बार रिविजन ये बेसिक सी बातें है जिनको हमें ध्यान में रखना है ठीक है ना आते हैं थोड़ा सा और कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें यहां पे हम देख ही रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी प्रीवियस ईयर एक ले लेना है अगर किताब के नाम पे आपको कुछ चाहिए तो एक प्रीवियस ईयर किसी भी ब्रांड का आप ले लो अगर बैच में हो तो वहां तो आपको मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर ले लो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बिना पहले क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं पिछले चार पांच सालों में ज्यादा नहीं मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप दस साल के कर लो सिर्फ चार पांच सालों के 2018 से अब तक भी अगर आप कर लोगे या इवन ऑनलाइन पेपर से लेके 2021 वाले से लेके और अब तक भी कर लोगे तो इनफ हो जाएगा ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई क्लियर है इन सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है एस के लिए एनसीआर

उसमें फिर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना रहती है क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है टीचर सारे अच्छे हैं ऑफकोर्स जो आपको समझ में आए जहां से आपको समझ में आए वो बढ़िया है लेकिन बैच से सीरियसनेस आती है जब आप दो रुपए भी खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियसनेस रहती है उस चीज की और तीसरी बात क्या है कि वहां कोई ऐड नहीं होता कुछ नहीं होता सारी चीजें एक ही साथ मिल जाती हैं चाहे वो मॉक टेस्ट हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो नोट्स हो एनसीईआरटी के चाहे वो सारी क्लासेस हो तो आपका जब मन करे आप वो देख सकते हैं रेगुलर क्लासेस का पूरा टाइम टेबल है सारे टीचर्स डेली बेसिस में मिल रहे होंगे आप सिर्फ उतना करते जाए काम आपका बन जाएगा इतनी बात क्लियर है इसके अलावा आ, मैं आपके साथ हूं ही यहां, लेट्स लर्न पे भी और बैच में भी जो आप बेहतर समझें वो आप चूज करें बट सीरियसनेस के साथ पढ़ें कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है सिलेबस से नहीं भटकना है एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखना है कुछ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं पेपर से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पे नजर जरूर मानना जो प्रीवियस ईयर और सिलेबस नहीं देखता उसका पेपर क्लियर होना बहुत ही मुश्किल बात है है ना अगर पीवाई क्यूज आपने नहीं देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे पिछले चार साल के देख लो और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो फिर तो आप अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है तुक्के से पास हुए तो हुए नहीं तो पता ही नहीं कुछ ठीक है ना तो एक तो सिलेबस पे स्टिक करना है सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा या तो अगर आप मेरे साथ बैच में जुड़े हुए हैं तो वहां से होगा या पुराने वीडियोस देख रहे हैं थोड़ा बहुत चेंज है हालांकि बट थोड़ा नई चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे तो सिलेबस पे स्टिक करना है चाहे आप किसी टीचर की मदद से कीजिए बुक की मदद से कीजिए किसी दोस्त से पढ़िए वो आपकी टेंशन पी की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो सीटेट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे बैच में तो एक साथ मिल ही जाएंगे इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको जो क्लास वाइज नोट्स हैं बाइलिंगल वो भी दे करके चलूंगी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज तो उसके भी लिंक मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ठीक है ना ऐप पे क्लास मेरी क्लास कल से चलेगी मैं मेरी सिस्टर की शादी थी मैं उसमें बिजी थी काफी हद तक आप सब लोग समझ सकते हैं जिनके घरों में शादियां हुई होंगी थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है फिर थकान इतनी हो जाती है जिसकी हद नहीं है तो और मैं दो दिन से थोड़ा सा अनवेल भी थी कल से आपकी क्लास बैच में भी और यूट्यूब पर भी कंटिन्यू हो जाएगी किसी का कोई और डाउट हो कुछ मन में सवाल हो पूछने को तो आप पूछ लीजिए इसके अलावा <coughs> बताइए एक बार न्यू वाला पढ़ लो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की सच कोई जरूरत नहीं नई पढ़ लो प्रीवियस ईयर लगा लो बस इनफ हो जाएगा अच्छा सिलेबस को जरूर ध्यान में रखेंगे क्यों कहां से रखेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैं दिखा भी देती हूँ आपको अगर आप थोड़ा सा भी यहां पर देखेंगे पेपर वन पेपर टू सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है सिलेबस में कोई रत्ती भर का बदलाव नहीं है बस थोड़ा सा अप्रोच में चेंज आया है पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है उसके लिए फिर आपको टीचर की हेल्प मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आपको समझ डेवलप होती है और पेडागोलॉजी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है रट्टाफिकेशन से काम चलता नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी और लर्निंग ग्रेजुअल होती है ये मत सोचिए पंद्रह दिन पहले बढ़ना शुरू करेंगे अगर ये जो इतना कम रिजल्ट जा रहा है इसका एक रीजन ये भी है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे है ना चाहे वो हम बैच से करें रेगुलर पढ़े एटलीस्ट कहीं से भी पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़े ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई और ये सिलेबस है आपका वही सी अलग से कैसे तैयार करेंगे उन सब पे हम चर्चा करेंगे पेपर कैसा आया था उस पर भी चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच डेली मिलेंगे हम नौ बजे सैटरडे संडे थोड़ा सा ऑफ रखेंगे है ना चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच पेपर टू पेपर वन दोनों का बैच अवेलेबल है पेपर वन प्लस टू दोनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है ठीक है जी हाँ सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी बैच में होंगी और कोई सवाल हो तो पूछ लो नहीं तो फिर आज छुट्टी करते हैं आपकी ओल्ड सीटेट बैच वैलिडिटी इंक्रीज करो देखना पड़ेगा यार वैलिडिटी क्योंकि ऑलरेडी ही एक बहुत मिनिमम फी पे इतने सारे टीचर्स हैं पूरा तंत्र लगा हुआ है आपके लिए कंटेंट से लेकर हर चीज अवेलेबल होती है तो देखना पड़ेगा कीर्ति ये आप पे डिपेंड करेगा आपकी सीरियसनेस कितनी है आप अगर हैडेक रखना चाहते हैं आप इधर उधर से पढ़ लीजिए एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो बैथ से पढ़ लीजिए कि आपको रोज ये नहीं सोचना हो ये चीज कहां से पढ़ू वो चीज कहां से पढ़ू ये नोट्स कहां से लूँ मॉक टेस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हम पीडीएफ में आपको एम शीट लगा के देंगे कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है ना चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं कल मिलते हैं नौ बजे ऐप पे शो नहीं हो रही है क्लास ये वाली क्लास ऐप पे नहीं है ये यूट्यूब पे ही था डिस्कशन कल से ऐप पे भी मिल रहे होंगे हम और यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे अलग क्लास होगी ऐप पे अलग होगी ऑफकोर्स चलिए टेक केयर बाय बाय एनसीआर की क्लास मैंने बता दी पेपर टू के लिए सिक्स टू एट्थ की एनसीआर पेपर वन के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ की है ना थैंक यू थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा कल मिलते हैं नौ बजे कोई और